Hi everyone, this is Hani Amir, and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. Choti si zindagi. Main us din ke intezar mein hu jab tumse tafseeli baat hogi. Fauzia bhabhi sakht naraaz hain Suhail bhai se. Unki job bhi chali gayi hai. Urva, मैं सोच रही हूँ कि आप उनकी जॉब के लिए कुछ करें ना. बड़ा धचका लगा है उन्हें और भाभी भी नबील को लेकर घर छोड़ के चली गई हैं. अच्छा, खुशी हुई जान के कि तुम भी उस दिन का इंतजार कर रही हो. और वह आपको सुहेल भाई की जॉब के लिए कुछ करना चाहिए. क्या कह रही हो तुम? इसका मतलब है कि इतनी देर से जो भी मैं आपसे कह रही थी आपने कुछ नहीं सुना? वो एक इम्पोर्टेंट मैसेज आ गया था, उसका जवाब दे रहा था. बोलो क्या बात है? सुहेल भाई की जॉब चली गई है और फौजिया भाभी भी नबील को लेकर अपनी किसी सहेली के घर चली गई है. बात तो सुने. क्या हुआ? आप सो गए? नहीं, अभी तो मसरूफ है. किस चीज में? पता नहीं, किसी से शायद अहम बात कर रहे हैं. फोन के साथ ही लगे हुए. अरे मेरी भोली माँ, जरा चेक रखा करें. आपके हस्बैंड यंग है और बहुत हैंडसम है. ऐसा ना हो किसी खातून के साथ मैसेजिंग पे मसरूफ हो. तुम्हें मैं थप्पड़ लगाऊं? तुम्हारे बाबा ऐसे नहीं है और तमीज से बात किया करो. हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की. जिस आदमी की इतनी खूबसूरत बीवी हो उसको क्या जरूरत है इधर उधर देखने की. ये मस्का क्यों लगाया जा रहा है? नहीं, मेरे साथ चले ना. बाबा से बात करनी है मुझे और आपकी मोरल सपोर्ट की सख्त जरूरत है. जी नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी बाबा से बात करने. वैसे ही तुम्हारी शादी की फरमाइश पे उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है और मुझे कोई शौक नहीं है उनकी डांट सुनने का. मैं क्या करूं, मैं कब बात करूं? आज ऑफिस गया था, वो वहां भी नहीं थे. अब बात करना चाह रहा हूं तो अब बिजी है वो. आप बताएं किस तरह बात करूं उनसे. एक काम करो, सुबह नाश्ते पर उनसे बात कर लेना. मैं भी उनको बोल दूंगी कि तुम्हें उनसे कोई जरूरी बात करनी है. चल, सुबह तक वेट करना पड़ेगा. कर लो थोड़ा इंतजार. और भाई, ये लीजिए, आपके लिए शर्ट इस्त्री करती है. हाँ, मैंने ये शर्ट पहनी. लेकिन पिछले महीने तो आप कह रहे थे कि आपको ये शर्ट पसंद नहीं आई है, मैं अली को दे दूँ. फिर आज कैसे पहन लिया आपने? हाँ, वो ऐसी नजर पड़ी, दिल चाहा तो पहन.
नाश्ता लगा दिया? हाँ, परजाना लगा रही है। अच्छा, आप नीचे जाएं तो अली की बात सुन लीजिएगा, उसने आपसे कुछ बात करनी है। अब मुझे ऑफिस पहुंचने, अपने बेटे से कहना कि उसकी फालतू बात मैं आकर सुन लूंगा। ओके, आपने रोका क्यों नहीं उनको? उन्हें ऑफिस जाना था, देर हो रही थी, और फिर वो कह रहे थे कि वो सुहेल भाई के पास भी जाएंगे। अच्छा, चलो हम ऐसा करते हैं कि हम सुहेल भाई के घर ही चलते हैं। वहां पर तुम्हारे बाबा भी होंगे, तुम उनसे बात भी कर लेना, और सुहेल भाई के सामने बात करोगे तो वो तुम्हारी सिफारिश भी कर लेंगे। उसे बहुत मोहब्बत करते हैं। यस, ये आइडिया अच्छा है। सुहेल अंकल का तो वैसे ही फेवरेट हूं मैं। तो फिर कब जा रहे हैं उनके घर? तुम्हारे बाबा कह रहे थे कि वो दोपहर में जाएंगे। अलीना की भी मुझे इतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि वो कह रही थी कि कॉलेज से सीधा अपनी दोस्त के घर चली जाएगी, कुछ काम है उसे। जबरदस्त, मैं यूनिवर्सिटी से वापस आऊंगा, आप रेडी रहिएगा। मैं हॉर्न बजाऊंगा, फौरन गाड़ी में आ जाएगा, फिर चलेंगे सुहेल अंकल के घर। ठीक है? कितनी बेताबी है तुम्हें। आप सनम से मिलेंगी ना तो आप भी बेताब हो जाएंगी उसको अपनी बहू बनाने के लिए। अच्छा, चलो तुम बैठो, मैं नाश्ता लगाती हूँ तुम्हारे। ओके। Thank you.
अच्छे लग रहे। वैसे ये लाइन मर्दों की नहीं होती, तो कंजूसी क्यों कर रहे, कह दो ना। सोचता हूं कि कहीं तुम्हें बुरा ना लगे। रहे ना पेंडू के पेंडू। अच्छी लग रही। जानती और ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो गई? शुरू दिन से थी, मगर पूरे एतमादी का ताल्लुक सामने वाले की शख्सियत से होता है कि वो कैसी है। मतलब कुछ नहीं, छोड़ो। ये बताओ सोहेल का? सोहेल फोन किया था उसे, उसका फोन ऑफ जाए। आ जाता तो अच्छा होता ना। हाँ वैसे उसका ना आना हमारे लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। सही कहा। हाँ कुछ ऑर्डर करा? इतनी देर लगा दी आपने। इतनी देर मैंने कहाँ लगाई है, फौरन ही आ गए। अब जल्दी चलो कहीं तुम्हारे बाबा वहां पहले ना पहुंच जाएं। कॉल कर दी थी ना आपने उनको? नहीं मैंने नहीं करी, अगर कर देती तो उन्हें पहले ही पता चल जाता, पहले ही इनकार कर देते, सुहेल भाई के सामने कर नहीं पाएंगे। अरे वाह, मेरी अम्मा तो अच्छी खासी इंटेलिजेंट है। अरे यार आज तो मुझे और वो अज़रा के साथ जाना था, तो बहुत लेट हो चुका हूँ। लो भाई। क्या हुआ? सुहेल साहब का मैसेज है, वो नहीं आ रहा। वो शुरू दिन से ही ऐसा। चले कहाँ? परसों की ख्वाहिश थी मेरी कि समंदर के किनारे रेत पर नंगे पांव चलना,
ख्वाहिश भी देखो कब जाके पूरी हुई, जब हम दोनों साथ साथ होकर भी साथ नहीं। इतना काफी नहीं है क्या हम दोनों साथ? मेरे लिए इतना काफी नहीं है, किसी भी औरत के लिए इतना काफी नहीं होता। तुम औरत बन के क्यों सोच रही? मेरी दोस्त बनकर सोच। किसी भी औरत के लिए दोस्त बनकर सोचना मुश्किल है उर्वा। असर अब तो सब कुछ बदल गया, वक्त बदल गया, हमारे हालात बदल गए, हम दोनों भी तो बदल गए। तो फिर अब हम दोनों दोस्त बनकर क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि उर्वा, मैंने तुम्हें कभी दोस्त की नजर से नहीं देखा, तब भी नहीं और अब भी नहीं। क्या सरप्राइज दिया आप लोगों ने भाई, जबरदस्त जबरदस्त। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई। वालेकुम सलाम। अंकल आप कैसे हैं? भाई आपके सामने हूँ बिल्कुल हट्टा कट्टा। हाँ इसे आप हट्टा कट्टा कह रहे हैं? खांसी तो आपकी ठीक हो नहीं रही है, और आप वहाँ किचन में क्या कर रहे थे? अरे भाभी फरागत की जिंदगी गुजर रही है, बीवी घर छोड़ के चली गई, तो हमने कब सारे काम खुद ही कर लेते, इसी बहाने मसरूफ रहने का कुछ मौका भी मिल जाएगा ना। आप बताइए कैसे आना हुआ आपका, कैसे अंकल की याद आई? बल्कि अंकल एक काम आन पड़ा आपसे। अच्छा आए भी तो हो तो अपने काम से बच्चू, हमें लगा हमारा हाल चाल पूछने आए होगे। हाल चाल ही पूछने आए सुहेल भाई, और उर्वा नजर नहीं आ रहे, वो कहाँ है? कह रहे थे कि उन्होंने आपके पास आना है। उर्वा का आया? उर्वा का एक्चुअली फोन आया था मेरे पास, वो जरा ऑफिस में कुछ मसरूफियात ज्यादा थी उसकी, तो उसने कहा था मैं आज आ नहीं सकूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं कल आ जाना, हम तो सदा के फारिग हैं, कभी भी मिल लो आके उससे। आप बताइए बरखुरदार क्या बात है, शर्माओ नहीं बता दो। आ जाओ चलो अंदर बैठ के बात करते, आ जाओ कम ऑन। यूनिवर्सिटी में एक लड़की है, मेरी क्लास फेलो है, वो और मैं शादी करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं बाबा से कैसे बात करेंगे समझ नहीं आ रही। कल वो लड़की मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसने अपनी फैमिली में बात भी कर ली है, मसला ये कि हम बाबा से कैसे बात करें, मैं उन्हें कैसे बताऊं, पता नहीं वो शादी के लिए हाँ करेंगे भी या नहीं। तो इसलिए आपके पास आया हूं कि आप कोई आइडिया दें। चलिए आपके वालिद साहब से बात करेंगे, हम जरूर करेंगे, लेकिन बरखुरदार मुझे ये बताइए कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारी जवानी की तरह आपको कोई वक्ती जोश चढ़ाओ, कुछ दिनों के बाद आप कहेंगे नहीं इससे नहीं उससे करूंगा फिर? नहीं अंकल मैं सीरियस हूं, शादी करूंगा तो सिर्फ सनम से, और जब उसी से शादी करनी है तो फिर उसे गर्लफ्रेंड बना के क्यों घूमू? आजकल की जनरेशन ऐसा सोचती नहीं है, जब उसके साथ ही रहना है तो बंद कर क्यों ना रहूं? भाई लड़के की बात में दम है भाभी। चलो ठीक है तुम्हारे बाप से बात करते हैं। वैसे भाभी मैं आपके बेटे को उर्वा की तरह बुद्धू समझ रहा था, मगर वो बिल्कुल भी बुद्धू नहीं है। तो अंकल आप बात करेंगे बाबा से?
हाँ करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। सुहेल भाई ये बताएं कि फौजिया भाभी का कोई फोन आया, उन्होंने बताया कि वो कब वापस आ रही हैं। अरे भाभी क्या फौजिया का जिक्र लेकर बैठ गई आप, भाई हम तो दुआएं मांगते थे कि हमें कोई दिन ऐसा मिले कि हम बेगम के बगैर रहें इस घर में, और एक आप हैं जो किसी भी तरह उसको यहाँ लाने पे तुली है। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, अगर मुझे किसी बात का अफसोस है ना तो वो सिर्फ इसका कि मैं अपने बेटे को बहुत याद करता हूँ, उसकी बहुत याद आती है मुझे। लेकिन आप दोनों आ गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। बताओ बेटा क्या खाओगे, कुछ बनाऊं तुम्हारे लिए? कुछ नहीं अंकल, थैंक यू। हैं? उधर क्या देख रहे हो, वो क्या काट खाएंगे तुम्हें? अभी लेकर आता हूं, रुको। तुमने जवाब नहीं दिया मेरा। तुमने कोई सवाल ही नहीं पूछा। तो क्या सवाल करना जरूरी था? मतलब तुम्हारे साथ समुंदर के किनारे सिर्फ चलना ख्वाहिश नहीं थी मेरी, तुम्हारा हाथ थाम के चलना था मैंने। और मेरा तो ये ख्वाब था अज़रा कि मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलूं जिंदगी के सफर में। शादी करोगी मुझसे? शादी? हाँ अज़रा, हाथ थामो तो इस तरह कि अगर मैं खींचना भी चाहूं तो तुम्हें छोड़ ना सकूं। थाम लो मेरा हाथ, क्योंकि इस बार मैं मायूस नहीं होना चाहता। उर्वा को बता देता हूं कि भाभी और अली मेरे तरफ आए थे, कहीं मुश्किल में ना फंस जाए। अरे यार उठा ले फोन, तेरे फायदे की बात है भाई। आज आप ऑफिस से जल्दी आने वाले थे, इतनी देर हो गई आपको। हाँ वो ऑफिस में काम बहुत था। लेकिन आप गए कहाँ थे आज, आपके जूतों में बहुत रेत थी। वो साइड गया था, शायद वहां से आ गई हो। आपकी साइड समंदर की तरफ है क्या? तुम बात बात पे पूछताछ क्या शुरू कर देती? मैं छोटा बच्चा हूं तो तुम्हें लमे लमे का हिसाब दूंगा। तबीयत तो ठीक है आपकी? नहीं सर, में दर्द है बस। सलाम अलैकुम बाबा। सलाम अलैकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रहते हो आजकल साहबजादे, घर में कम नजर आते हो? सॉरी बाबा। वैसे बाबा आज आप काफी डैशिंग बन के ऑफिस गए थे, क्या बात है, कोई सेक्रेटरी पे दिल तो नहीं आ गया आपका? अली
तुमसे कितनी दफा कहा है कि तमीज से बात किया करो। तुम अपनी बात करो। मेरी बात तो की होगी अम्मा ने। और माँ की जबानी जवाब मिल भी गया होगा तुम्हें। पढ़ाई पे ध्यान दो आजकल, फजूल कामों में नहीं। अमीना खाना लगाओ। उर्वा क्या हो गया? आपसे बात ही तो कर रहा था। बात ही कर रहा था। मौसूफ चले हैं इश्को राश की करने, कभी इसके बाप ने की है? वैसे बाबा आज आप काफी डैशिंग बन के ऑफिस गए थे, क्या बात है? कोई सेक्रेटरी पे दिल तो नहीं आ गया आपका? वो मुझसे अब भी बेपनाह मोहब्बत करती है, मेरा अब भी इंतजार कर रही है। अली, हाँ भाई। अमीना, अलीना किधर है? अलीना अपनी दोस्त के घर गई हुई है, उसकी बर्थडे थी तो वो वहीं रुकेगी। सबका प्लान था रुकने का आज। ये सालगिरह का क्या रिवाज? हमारे माँ बाप ने तो कभी नहीं कराई हमारी सालगिरह। उस वक्त सादा जिंदगी होती थी उर्वा। हाँ भाई, वो सादा जिंदगी अच्छी होती थी, आजकल की तरह थोड़ी। जहाँ सालगिरह का दौर है, मोबाइल का दौर है, कंप्यूटर का दौर है, और इस इंटरनेट ने तो जान ही लेके रखी थी, फिर भी इन बच्चों के गिले शिकवे नहीं खत्म होते। आपके पास हमारी इतनी प्यारी अम्मा जो थी। अच्छी तरह जानता हूँ, ये बातों बातों में अपनी बात निकलवा लेते हो ना, सब समझता हूँ मैं। उर्वा, आज आप सुहेल भाई के? हाँ, सुहेल की तरफ गया था मैं दोपहर में। बेचारा बड़ा ही टेंशन में था, तसल्ली दे दी मैंने उसे। आप गए थे सुहेल भाई के घर? हाँ, दोपहर में गया था। क्या हुआ आप सर, क्यों देख रही हो? उर्वा, आज मैं और अली सुहेल भाई के घर गए थे दोपहर में। क्या? हाँ, दोपहर में गए थे। हाँ, हो सकता है कि जब दोपहर को तुम लोग निकले हो तब मैं आ गया हूं। सुहेल अंकल ने आपको बताया नहीं कि हम उनके घर गए थे? नहीं, भूल गया होगा। और जरूरी तो नहीं है कि हर बात बताए मुझे। नहीं, मेरा मतलब है कि सुहेल अंकल कुछ कहा नहीं उन्होंने आपसे? सीधी सीधी तरह बोलो ना, कहना क्या चाह रहे हो? पहेलियां क्या बुझवा रहे हो? अमीना क्या कह रहा है ये? कुछ नहीं कह रहा, आप जाके बैठे, मैं खाना लगवाती। ठीक है। मां, सोहेल अंकल ने तो बात ही नहीं की।
लेकिन क्या करूं। हाँ सोहेल से बात करता, वो कोई ना कोई हल जरूर निकाले। अब आखिर मसला क्या है अली? मामा मुझसे रोज पूछती हैं कि अली कब आएगा अपने पेरेंट्स को लेकर। तुम ही बताओ मैं उनको क्या जवाब दूं? बस 3-4 दिन और ठहर जाओ। लेकिन मसला क्या है? पहले तो तुमने इतनी जल्दी लगाई हुई थी और अब तो मामा ने उन लोगों को भी इनकार कर दिया। अब तुम बिल्कुल खामोश हो, बात क्या है अली? कोई बात नहीं है, दरअसल बाबा आजकल बहुत बिजी है ना, उनसे बात करने का टाइम ही नहीं मिलता। फिर टाइम निकालो। मैं पता है मुझे कितना बुरा लगता है तुमसे बार बार कहना कि अपने पेरेंट्स को भेजो, जैसे मैं मर रही हूँ तुमसे शादी करने के लिए। अच्छा तो क्या नहीं मर रही? जी नहीं, अब मुझसे ज्यादा मामा को बेताबी है, मुझे बार बार बोलना बहुत इंसल्टिंग लगता है। और हाँ मैं बता दूं कि मैं स्टडीज शादी के बाद भी कंटिन्यू रखूंगी। मुझे भी जाहिल बीवी नहीं चाहिए, डिग्री होल्डर तो हो कम से कम, जो मुसीबत में शौहर का काम आ सके। यू आर सो मीन अली, ये बात तुम अच्छे तरीके से भी कह सकते थे। भाई मुझे तो यही तरीका आता है। सोच लो अभी भी टाइम है। अब मजीद सोच कर क्या करना, क्योंकि मैं जितना भी सोचती हूँ तुमसे आगे मेरी सोच नहीं जाती। खैर और सुना? कुछ नहीं, थोड़ा बस काम कर रही थी। बड़ा मजा आया, तुझे बहुत मिस किया। अच्छा मुझे लगा मेरे बगैर ज्यादा मजा आया होगा। वैसे कल भाभी और अली आए थे मेरी तरफ, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद तुम यहां होगी मेरे पास। हाँ कल तो बाल बाल बचा मैं, पता है कितने झूठ बोलने पड़े। पूछेगा नहीं किस लिए आया था? अरे यार आए होंगे तेरी खैरियत दरियाफ्त करने। अच्छा छोड़ सारी बातें, मुझे तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोल। वो कल अजरा ने, हाँ क्या अजरा ने, मुझसे शादी करना चाहती है। शिट कमाल है, तुझे हैरत नहीं हो? आज भी मुंतजर है मेरी, चाहती है मुझे। पुराना फिर तूने क्या जवाब दिया? इसीलिए तो आया हूं तेरे पास, तुझसे पूछने की मुझे क्या करना चाहिए। चाय पीएगा? गुड। अब क्या और कैसे करना चाहिए? आपने अमीना भाभी और अपने बच्चों का जिक्र तो किया ही होगा जरा सा। नहीं और जरूरत भी क्या है, वो जानती है कि मैं शादीशुदा हूं और जाहिर सी बात बच्चे भी होंगे। अच्छा यानी कि उन्होंने भी आपसे इस मौजू पे कोई बात नहीं की? नहीं। क्यों? पता नहीं, हो सकता है इसलिए क्योंकि
उसके अपने बच्चे नहीं, मियां का इंतकाल हो गया, या शायद उसको दिलचस्पी नहीं। हाँ ये बात तूने बिल्कुल सही की। भाई उसका शौहर नहीं है, उसके बच्चे नहीं है, तो उसको क्या दिलचस्पी होगी। छोटी सी